Hey, what's up guys, Pant here. तो आज हम लोग खेलने वाले हैं Resident Evil 2, Resident Evil 2 remake. आज हम लोग खेलने वाले हैं उसकी. हम लोग आज आठवीं वीडियो बनाएंगे. 7 वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद हैं और वहीं से कंटिन्यू करेंगे अपनी स्टोरी को जहां से हमने लास्ट टाइम लीव की थी. तो जल्दी से कंटिन्यू कर लेते हैं अपनी स्टोरी को. तो यहाँ पे हमारा आठवां पार्ट हो चुका है स्टार्ट रेजिडेंट ईवल का और वहीं से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ से लास्ट टाइम लीव की थी. और मेरे ख्याल से लियोन ने अब एडा को ढूंढने जाना है आई गेस. और यहाँ से ही जाएंगे हम लोग. ये सीढ़ी तो टूटी हुई है जहाँ से एडा गई थी, तो कहीं और से जाना पड़ेगा. इधर से शायद मे भी लॉक है ये दरवाज़ा. हाँ लॉक है, नहीं जा सकते. पीछे बची मेरे ख्याल से यही जगह रह गई है. अच्छा ये चल रही है लिफ्ट, मेरे ख्याल से पहले तो नहीं चल रही थी ये लिफ्ट, अब चल रही है पता नहीं क्यों. ओके यहाँ पे क्या करना है हम लोगों ने, मेरे ख्याल से हम लोगों को कुछ ड्रॉप करने की ज़रूरत भी नहीं है और ना ही कुछ लेने की ज़रूरत है. आई थिंक सारी चीज़ें ठीक हैं तो आगे कंटिन्यू करते हैं. यहाँ पे एक सेव ही कर लें, मैं कह रहा हूँ सेव करते रहना चाहिए जहाँ पे भी दिख जाए काम आए थे. आगे यहाँ से जाएंगे या यहाँ से डायरेक्ट नीचे उतरेंगे और यहाँ से कहाँ को निकलेंगे, यहाँ से कहाँ कहीं को नहीं निकलेंगे. इधर जाने का कहीं का रास्ता नहीं है तो हम लोगों को यहाँ से ही जाना है, और कोई रास्ता नहीं है जाने का. तो जल्दी से नीचे उतरते हैं और मेरे ख्याल से आगे कहीं करके एडा पड़ी होगी इधर किसी गंद वगैरह में, यानी गिरी थी एडा और उसके पैर पे लग गई थी, इतना तो मुझे याद है. बस ठीक है, ये वही जगह है आई थिंक जहाँ पे एडा गिरी होगी कहीं पे. ये यहाँ पे कुछ लगेगा, जो भी लगेगा फ़िलहाल ढूंढ के लेंगे हम लोग. अंधेरा बड़ा है यार यहाँ पे, देख कितना कोई हास नहीं रहा कुछ भी साफ. क्या यार सारा गंद गंद है हर जगह पे. इधर तो यहाँ से जाएं, यहाँ से जाएंगे आई थिंक. यहाँ पे चेक करते जाना चाहिए. USS डिजिटल वीडियो कैसेट, तो वीडियो कैसेट यहाँ पे हम लोगों को मिली है एक. अब पता नहीं ये यूज़ कहाँ पे होगी, फ़िलहाल कर लेंगे जहाँ से भी जहाँ पे भी यूज़ होगी. ओ तेरी खैर भाई साहब, पीछे यार ओए, मैंने उसके सिर पे मारा तो यार पीछे क्यों हुआ यार. ये क्या तमाशा यार इन लोगों का, रेजिडेंट ईविल वालों का सच्ची. अब मेरे पास कोई पड़ी भी नहीं हुई हर्ब, आई थिंक यही पड़ी है सिर्फ एक. तो कसम से वकड़े इनके तमाशे ही नहीं मुकते, कुछ देते नहीं है. एक तो हील करने को आगे से इनके जो ज़ॉम्बीज़ हैं सारे चिमड़ू हैं, चिमड़ू चिमड़ते बताए किस तरह से हैं. हैरिसिंग का केस होना चाहिए इनके ऊपर. ये क्या है समझ नहीं आई मुझे, ये लेना चाहिए. तो ये ऊपर हो गया और ये बंद हो गया रास्ता. देखते हैं पहले ये कमरा तो चेक कर लें. यहाँ पे कोई चाबी चूबी लगेगी. ट्रीटमेंट फैसिलिटी रूम है ना ये, तो यहाँ पे उसकी चाबी ढूंढ के लानी पड़ेगी. ये भी चेक कर लें पहले कमरा. तो यार ये भी लॉक है, यानी इधर तो कसम से लॉक ही लॉक हैं हर जगह पे. यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा इसका मतलब, अगर आगे जाना है तो. वो वापस आ गया, ये मोटा आ गया. जल्दी चल यार, मोटा तो नीचे गिर गया, इसको भी संभालना पड़ेगा. आप पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ. ओ यार यार ये भी बंद है. ओ यार गलत हो गया भाई, एक तो ये चिमट जाते हैं यार थोड़ी थोड़ी देर बाद सारी. अब आगे कहाँ पे जाना है, ये क्या पड़ा हुआ है, चाकू यूज़फुल है ये काफ़ी.
काम आएगा। कहाँ भी जाना है आगे, यहाँ भी जाना नहीं, वहाँ पे कहीं पे जाना है या यहाँ पे जाना है, यहाँ पे भी नहीं जाना, तो फिर जाना कहाँ पे है? ओ तेरी क्या है, क्या बात है, स्लाइड भाई साहब दुखी खाई है लियोन ने। ओ यहाँ पे भी टी लिखा हुआ है, टूल की ज़रूरत है यहाँ पे भी, कोई टूल होएगा तो कंबाइन करते हैं। यार यहाँ पे वो लगेगा जो मिलेगा, उधर भी लगना है एक आगे करके। अब आगे यहाँ पे जाना है, नहीं यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ पे जाना है। ओए ये क्या था भाई साहब, मुझे ना काम बहुत ख़राब लग रहा है यहाँ पे। इसे कंबाइन कर लेते हैं, इसके साथ बुलेट्स आ जाएंगी थोड़ी सी। ये क्या है यार, ओ भाई ये क्या है यार, ओए भाई साहब भाग 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 भाई, याद है यार भागना ही सही है। नहीं यार फिर पकड़ लिया इसने, दूसरा ग्रेनेड भी गया यार, शुक्रिया। एक तो यार ग्रेनेड इसने ज़ाया करा दिए दोनों, ओए यार क्या तमाशा यार ये पाया गया। वैसे आगे निकलते हैं भाई, इसको बाद में कभी मारेंगे, आगे कब वो यार आएगा। तो अभी फिलहाल दो ग्रेनेड ज़ाया करके हम लोग आगे जा रहे हैं, जो हमें नहीं करने चाहिए थे। एक ग्रेनेड में भी काम कर सकते हैं, लेकिन भागे नहीं गया, फिर पकड़ लिया उसने बहन। क्या कहे यार बंदा सच्ची, हम सस्ते नूब हैं। आगे यहाँ पे कुछ काम का मिल जाए दे, ये भी कोई ख़ास चीज़ नहीं लग रही काम की, तो यूज़फुल हो सकती है हमें हेल्प करने में। आगे जाते हैं, यहाँ से आए हैं, कहाँ को जाएंगे, यहाँ को जाएंगे आई थिंक, कोई चीज़ हम मिस ना कर रहे हो, मैं भी कोई चीज़ मिस भी कर रहे हूँ, क्या कह सकते हैं। अब तो आगे यहाँ पे किस चीज़ की आवाज़ें आ रही हैं, मुझे भी नहीं पसंद आया फिलहाल। देख इधर उधर, वेस्ट डिस्पोजल, इसका क्या काम हो सकता है। एडा, अच्छा एडा यहाँ पे है, अब एडा को भी बचाने जाना पड़ेगा यार, बल्कि इसी को तो बचाने के लिए निकले थे। बुलेट्स सही, वैसे भी बुलेट्स की बड़ी ज़रूरत रहती है यार, इसको इसके साथ कॉम्बाइन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अच्छा यहाँ पे कर लेते हैं सेव अपनी गेम को। नहीं ये भी कोई काम की चीज़ नहीं है, कोई काम की चीज़ दें तो फिर बात बने ना। यहाँ पे ये डलेगा मेरे ख्याल से, केसेट डलेगी, अब ये केसेट से पता लगेगा कि ये केसेट थी किस चीज़ की। ओके ये डार्ट्स पड़े हैं सामने कोई, और वीडियो बन रही है, और ये कोई क्या कर रहा है, डार्ट्स खा रहा है। भाई साहब ये वो था वो जो यार हमें पहले नहीं मिला था, एक आंख वाला बंदा बड़ा था वो है ये, हाँ ये वो था जिसकी एक बड़ी सी आंख थी। फिलहाल बड़ा ही कोई अजीब सा था वायरस का पता लगता है, वायरस ये बना देते हैं हम लोगों को खाने पीने के बाद, वो टीके वगैरह। फिलहाल इसको डिस्कार्ड कर देते हैं हम लोग, इसका कोई काम नहीं रहा, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं रही जो यानी हम लोगों ने डिस्कार्ड या करनी है वगैरह। फिलहाल आगे चलते हैं, यहाँ पे एक और बार सेव कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे स्टोर किया है वीडियो देखने के बाद, केसेट देखने के बाद सॉरी, और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, और देख लेते हैं कोई और चीज़ ना पड़ी हो। यहाँ पे एक और चीज़ पड़ी है जो हम लोग मिस कर रहे थे पीछे, वो भी देखते हैं अभी। प्रीटी श्योर
Shotgun, the queen and next to each other. The queen and rook were opposite each other too. अच्छा ये भाई वही अच्छा ये यानी यहाँ पे हमें ये छः इकट्ठे करने हैं. ये जो मैंने उधर एक देखी थी मेरे ख्याल से क्वीन का देखा था कि पता नहीं किसका देखा था, लेकिन छः ऐसे इकट्ठे करने हैं हमने. हमारे पास इस वक्त कितने हैं, एक है दो है और तीन है, आई थिंक तीन है हमारे पास ये मौजूद, और एक मैंने उधर देखा था. सही समझ आ गई. अच्छा और उसके अलावा हम क्या मिस कर रहे थे, कोई चीज़ हम लोग मिस कर रहे थे, वो था यहाँ पे अगर कोई मैप पड़ा हुआ, आई थिंक नहीं यहाँ पे. हाँ ये मैप है, इसको भी लेना है. इसका मैप सही, तो एक मैप मिला है और चीज़ें चाहिए हमें इधर ये खोलने के लिए. ये भी बाद में देखेंगे फ़िलहाल. अब आगे कहाँ पे जाना है हमने, ये दरवाज़ा है जहाँ पे जाएंगे. हाँ यही दरवाज़ा है आई थिंक, या फिर इस दरवाज़े शायद आए हैं. नीचे जाना है, कहाँ पे जाना है. अच्छा ये यानी वाल खींचना है, फिर उसके बाद कुछ ऊपर आएगा या ऊपर से कुछ नीचे आएगा. हाँ बन गया रास्ता, ऊपर से नीचे आ रहा है पुल. अब इधर से आगे जाएंगे और देखेंगे आगे कहाँ पे जाना है. यहाँ पे पहले जाके चेक कर लें, मुझे यहाँ पे गट फीलिंग आ रही है, बहुत ख़राब सीन होने वाला है. सही हो गया, एक और कॉम्बिनेशन बन गया अच्छा सारा हेल्पफुल. ओ भाई टूल मिल गया, गट फीलिंग नहीं थी, अच्छी फीलिंग आनी चाहिए थी यहाँ पे. कोई अच्छी चीज़ हुई हमारे साथ इसमें. आई डी रिस्ट बैंड रिक्वायर्ड, अच्छा आई डी रिस्ट बैंड चाहिए अब हमें. तो आई डी रिस्ट बैंड कहाँ से मिलेगा वो भी ढूंढना पड़ेगा हमें. आई डी रिस्ट बैंड यार याद नहीं पड़ रहा मुझे सही तरह, मेरे ख्याल से एडा के पास पड़ा हुआ था आई डी रिस्ट बैंड, शायद उसको मिला था मेरे ख्याल से, पक्का नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से शायद मिला था, मुझे याद नहीं है. पता नहीं दो तीन वीक्स हो गए खेले हुए. जब उसके पास जाएंगे एडा के पास यानी एडा मिलेगी तो फिर पता लग जाएगा आई डी रिस्ट बैंड का क्या सीन है. अभी इधर का काम हो गया, उधर का काम चेक करके आ जाते हैं. और ये उठेगा मे बी, उठा तो नहीं अभी तक, वो उठ गया. भाई बैठना खड़ा क्यों हुआ है, अरे जोर क्या है माशाल्लाह से. एम भी मेरा ना एल लग गए हैं मेरे एम के, मरता क्यों नहीं आ रही है, एकदम मरता भी नहीं आगे से, मेरे चक्कू को भी जाया करा रहा है. ये लिखा हुआ है ये क्या, टू लेफ्ट 12 राइट और 8 लेफ्ट, इसका कोड है. टू लेफ्ट 12 राइट और 8 लेफ्ट. खुल गया खुल गया, अरे वाह. टू लेफ्ट 12 राइट 8 लेफ्ट जो भी था फिलहाल खुल गया. इसका इसके साथ कंबाइन होएगा, वाह जी वाह. शॉटगन और ज़्यादा जंबो बन गई. एक छोटी शॉटगन से शुरू किया था और उसको कंप्लीट एक शॉटगन बना दिया अब. अच्छा तो हमारे वेपन्स अच्छे से अच्छे होते जा रहे हैं. एग्जिट का रास्ता है अगला, एग्जिट करेंगे. हाय हाय इन्होंने भी अभी आंधा यार, गलत टाइम पी आपने. मर गया, सही हो गया, तीन गोलियां लगी दोनों को मारने में. ओ यार मरता क्यों नहीं मोटे तू, इस पर बड़ा तप चढ़ रही है यार मुझे, सारी गोलियां ज़ाया करा दी गुस्से में. फिलहाल गलती मेरी है, मैंने क्यों ज़ाया की गोलियां.
यार अब हील का सामान बड़ा ज़्यादा मेरा है, हेल्पफुल है काफ़ी। हील का सामान जब चाहिए होता तब होता नहीं, और जब नहीं चाहिए तो है ही है बहुत ज़्यादा। हम इधर से आए हैं ना या फिर इधर से आए हैं? इधर से हैं, हाँ नीचे उतरे हैं हम लोग। यहाँ से जा सकते हैं? ये किस चीज़ का वॉल है? ये खुल जाएगा रास्ता। लेकिन इधर यार वो होगा ना, उसको क्या कहते हैं यार, समुद्री जानवर जो था हमें मिला था। इधर से जाते हैं पहले। अब टूल तो हमें मिल गया तो टूल लगा सकते हैं हम इन जगहों पे। पहले इधर यूज़ कर लेते हैं और मेरे ख्याल से वापस लेके जाएंगे अपने साथ आगे। और भी दो जगह और देखी नहीं मैंने जहाँ पे लगा सकते थे हम टूल। सही हो गया, रास्ता खुल गया, टूल हमारे पास ही है मेरे ख्याल से। हाँ टूल हमारे पास ही है, आगे जाएंगे इस रास्ते के साथ। यार पता नहीं कहाँ से कहाँ रास्ते निकल आते हैं, इतने ज़्यादा लंबे रास्ते हैं इसके रेजिडेंट ईवल के, कभी समझ ही नहीं आती। चाबी मिली, सीवर नो एंट्री जोन। अच्छा ये भी कोई होगी, कोई रूम वगैरह की चाबी, फ़िलहाल करेंगे उसका भी कोई काम। इसका कमरा तो चेक करें ज़रा कहाँ पे होगा, सीवर में होगा ना। नहीं यहाँ पे कहीं पे मुझे दिख तो नहीं रहा कोई ख़ास, लेकिन मिल ही जाएगा वक्त के साथ साथ। अब ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे मुझे नहीं समझ लग रही। आई थिंक ऊपर जाते हैं पहले और फिर देखेंगे आगे, नीचे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ओए इसका टूटा हुआ है, इसका टी बार वाला ही टूटा हुआ है, तो यानी ऊपर से आगे नहीं जा सकते इसका मतलब, हम अब नीचे से ही जाना पड़ेगा। टी बार वाला ही उसका बेचारे का टूटा हुआ ऊपर आया तो कचूमर निकला हुआ है। मैं इसलिए बार बार मैप देख रहा हूँ ताकि कंफर्म कर लूँ कोई चीज़ मिस ना कर रहा हूँ मैं अपने अराउंड। फ़िलहाल नीचे से जाना पड़ेगा और मुझे बहुत गट फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे ही होगा वो समुद्री जानवर। कहाँ पे होगा यार? ओ यार ये क्या चीज़ है, अचानक ही आई है। अरे क्या यार, ओए होए गंदा, क्या था भाई मुझे भी नहीं समझ लगी। चल 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 चल। और यार ये टाप तक ही नहीं है तो जंप नहीं मारता लियोन। यहाँ से जाने नीचे, इधर से ऊपर नहीं चढ़ सकते। अच्छा अच्छा वहाँ से तो आए हैं। ओए होए ये है गंदी सी जगह यार। अले भाई ओए आ गया जानवर समुद्री जीव। ओए चक्कू मार इसको चक्कू। लाइटनिंग होक निकालता हूँ अपनी। चल बे मरा नहीं, मर भी जा दे। मर गया। चाकू दे मेरा चाकू। चाकू कहाँ है? चाकू। भाई साहब ये काम आता है बड़े, बचा लिया इसने हमें अभी इससे, अभी आगे और ना आ जाए भाई। अरे हाय ये तो हर जगह पर मौजूद है भाई, निकल ले। नो नहीं यार, चक्कू। अब चक्कू मेरे हाथ से यूज करने के काबिल भी नहीं है ना। निकल ले। ओ भाई ये कोड आ रहा है यार, ये कितने ज़्यादा हैं इधर, यानी इनको मारना पॉसिबल ही नहीं है। एवं इधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा निकल लो भाई, और कोई यानी नहीं है हमारे पास रास्ता, कुछ और कर भी नहीं सकते हम निकलने के अलावा। अच्छा नीचे देख लें ज़रा कोई चीज़ तो नहीं मिस कर रहे। एक तो मुझे चीज़ों का बड़ा फोबी है, कोई चीज़ ना मिस कर रहे हो, क्योंकि आगे ये देते बहुत कम है। ओके तो हम लोग इसको इक्विप्ड कर लेना चाहिए, अपनी औकात पे आ जाना चाहिए। लाइटनिंग हॉक की गोलियां बड़ी अहम होती हैं। तीन गोलियों में उस बंदे को मार दिया मैंने, एक आंख वाले को जानवर को जो भी है, उन्होंने भी वही दवाई खाई होगी, वो वायरस टी वायरस डी वायरस जो भी वायरस था। वाह जड़ी बूटी मिली, बूटी। अच्छा फ़िलहाल मिल गई, इसको कंबाइन करने की कोशिश करते हैं, इससे इससे नहीं कर सकते, सिर्फ तीन बूटियाँ ही हो सकती हैं इकट्ठे कंबाइन। आगे रे यहाँ पे आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ पे करना क्या है? ये भी लोको हुआ है, वो क्या सामने, वो भी एक नया वेपन है भाई, अभी खोल लेंगे तो पता लगेगा। ये क्या है? इलेक्ट्रिक पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट। ये है कौन सा वाला यार,
एग्जामिन, ये क्वीन प्लग है। अच्छा क्वीन वाला प्लग भी मिल गया हमें, क्वीन वाला प्लग यहाँ पे लगेगा तो वो रास्ता खुलेगा, वहाँ से मेरे ख्याल से वो मिलेगा वेपन नया आगे। ओके खुल गया रास्ता। यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे किंग प्लग लगेगा, तो किंग प्लग ढूंढ के लाना पड़ेगा हमें। क्वीन प्लग को साथ लेके जाए कि ना ले ओ भाई, वो नीचे गिर गया, आप जिंदा ना ना हो जाए, वो जिंदा हो गया यार, शिट। ओके तो किंग प्लग भी मेरे ख्याल से हम लोगों को मिल गया, ये किंग प्लग ही है। और देख लें ज़रा इधर कोई चीज़ तो नहीं पड़ी, ये चक्कू बड़ा हुआ है यहाँ पे कहीं भी करके, ये क्या चीज़ है यार, क्वीन प्लग ही है, चाकू चुकू कोई भी नहीं है, यानी कोई काम की चीज़ नहीं है, बस ये प्लग वगैरह हैं। यानी मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि काम की चीज़ें नहीं हैं, प्लग हैं काम की चीज़ें, लेकिन फिर भी चाकू वगैरह ज़्यादा काम करते हैं। आगे से उधर से हमने बाहर भी जाना है, जिधर हम लोगों ने वो लगाना है। यहाँ पे किंग प्लग लगाएंगे और खुल जाएगा, और फिर हमें वाह जी वाह नया वेपन मिल जाएगा, केमिकल फ्लेम थ्रोवर। ये चीज़ मेरे अजीज़, फ्लेम थ्रोवर भी हम लोगों ने कर लिया है अनलॉक। यहाँ पे रखेंगे फ्लेम थ्रोवर को, इसकी वो तो बड़ी ज़्यादा एमओ हमारे पास। और ये हम लोगों का हो गया है काम पूरा, अब क्या करना है हमने, ये तो यार अब निकलेंगे कैसे बाहर। अब यहाँ पे क्वीन वाला लगाएंगे, क्वीन वाला लगाएंगे ना, किंग वाला नहीं यार, क्या कर रहा है यार, लगाना ड्रामे नहीं होते दिल्ली होंगे भी। अब यहाँ से एंटर होंगे और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे किंग वाला लगाएंगे, हाँ यहाँ पे किंग वाला लगाएंगे, और फिर यहाँ से क्वीन वाला पकड़ेंगे। ये दरवाज़ा बंद हो गया, उधर से घूम के जाएंगे और फिर अंदर से किंग वाला पकड़ेंगे, हाँ ये क्वीन वाला पकड़ा, ये दरवाज़ा भी बंद हो गया। अब ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे उतरेंगे और बाहर निकल जाएंगे मेरे ख्याल से, या फिर ऊपर से नीचे उतरने की ज़रूरत ही नहीं, इधर से ही रास्ता निकल जाएगा। वाह जी वाह क्या बात है तेरी, सही हो गया, सही भाई साहब। एक मिनट रुक जाओ ज़रा, मैं अपनी असल औकात पर आ जाऊँ, गन सही अली निकाल लूँ यार, बुलेट्स वगैरह नहीं पड़ी। ओ भाई वापस आ गए वहीं पे जहाँ से आए थे। ओ नहीं 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 नहीं, इसको मुझे फेस नहीं करना भाई, इधर चाप नहीं मार सकते। ओए वो आड़े 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 अभी घर वाले सोए हैं, नहीं तो उन्होंने गालियाँ ही देनी थी, ये क्या कह रहे हैं। ओए बच गए, आई थिंक हम लोगों ने, ओए ये आ गया शिट, ये क्यों आ गया भाई एंड टाइम पे, सब कुछ ठीक जा रहा था लेकिन अचानक इसने आना था। हाय हाय अब क्या किया जाए यार, मुझे समझ नहीं आ रही इस टाइम। फ्लेम थ्रोअर निकालें, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जो स्पेस दबा के उसको मार दें ना रिटर्न में, अगर वो हमें पकड़े दो तो हमें मेरे ख्याल से फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फ्लेम थ्रोअर इक्विप्ड कर लेते हैं और चल गई। ओए नहीं यार पकड़ लिया उसने, शिट यार क्यों पकड़ा भाई तुमने यार, पीछे हो यार। इन्वेंटरी खोल, इक्विप्ड कर। ओए ओए मार 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 ना यार लियोन, क्या ड्रामे। ओए मर गया मर गया, वो चीज़ हाँ भाई अब पता बोलता तो ही हो, लेकिन यार लियोन पॉइजनड हो गया, आई कैन ब्रीथ कह रहा है यानी ये बहुत ज़्यादा वो हुआ है इस टाइम टिल्ला हुआ है क्योंकि पॉइजनड हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि हम लोगों ने 3 बुलेट्स उसकी यूज़ कर ली हैं और 5 बुलेट्स हमारे पास रह गई सिर्फ लाइटनिंग हॉक की, जो कि बहुत ही बुरी खबर है। हम लोगों को फ्लेम थ्रोवर यहाँ पे यूज़ करना चाहिए था, काफ़ी ज़्यादा थी उसकी एमओ हमारे पास,
लेकिन कुछ नहीं कर सकते, कर ली तो कर ली, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। लियोन अब पॉइजन हुआ गया, अब मुझे नहीं पता कि वो मर जाएगा आगे इसकी वजह से या फिर क्या होगा, लेकिन इसके साथ ऐसे ही आगे चलते हैं। अभी चल तो रहना, बस भी होश ना हो जाए, काम करते हैं, यूज़ कर ही लेते हैं, रिस्क नहीं लेते इसके साथ, तो ये यूज़ कर लेते हैं। फाइन हो गया वो, असल वाली गन पकड़ लेते हैं और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आगे किस तरह जाएंगे यार, यहाँ पे ये टी बार तो लगा नहीं सकते हम लोग, पीछे बची क्या हमारे पास ऑप्शन, हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे उधर जाने, या फिर यानी बैक जाने, या फिर और या फिर जो सा इधर नीचे उतरना है। उधर तीन लगे हुए थे पहले से, दो हमारे पास हैं और दो जो सा है, एक जो सा है वो पुल के पास है, वो जो पुल उधर करके लगा हुआ है, लेकिन उसके लिए पीछे से हमें कहीं पर रास्ता निकालना पड़ना है। यहाँ पे टी बार लगाने की ज़रूरत ही नहीं, यहाँ से पहले से हम लोग खोल के आए थे, तो वापस जाएंगे इस हिसाब से हम लोग इधर। और ओए मोटा आ गया यार, गलत टाइम, गलत टाइमिंग, एक तो इसने भी अभी आना था यार। अब हम लोग नीचे उतरेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमें वो मिलेगा दोबारा से, क्या कहते हैं वो जो घटिया सा मुंह वाला है, आँख वाला एलियन मे बी। फिलहाल ग्रेनेड मिल गया, थोड़ा आसरा हो गया। और कोई चीज़ पड़ी है? नहीं पड़ी। अब हमें आगे जाना चाहिए इसी के साथ। 5 बुलेट्स हैं हमारे पास हैंड गन की, और कोई भी चीज़ नहीं है यहाँ पे, भी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन टी बार वहाँ पे हम लोग लगा सकते। ओ भाई आ गया, आ गया, आ गया, आ रहा, 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 निकल निकल लियोन, निकल ले भाई, निकल ले, निकल ले, ले जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, टी बार, टी बार, टी बार। यार ये क्या यार, सच्ची पीछे पड़ गया ये आँखों वाला एलियन, जल्दी खुल जा। ओए शुक्र है बच गए भाई, भाई साहब मैं ना सच्ची यार गालियाँ देने वाला है लिटरली गेम वालों को, कि यार ये क्या पहन यकीन गई है इन्होंने बकरी। एक तो बुलेट्स देते नहीं, वर्ल्ड वॉर जी वालों को देखो क्या गेम बनाई है उन्होंने। और यूबीसॉफ्ट तो कसम गेमों में ना इतनी कोई डिफ़िकल्टी डाल देती है ना, खेली भी नहीं जाती। फ़िलहाल मैं फार क्राई की बात नहीं कर रहा, लेकिन रेजिडेंट ईविल की गेम्स, और यार ये तो कैपकॉम वालों की होती हैं, अभी मैं यूबीसॉफ्ट लगाऊंगा कैपकॉम वालों की हरकतें होती हैं ऐसी सच्ची। यूबीसॉफ्ट तो बड़ी अच्छी गेम्स बनाती हैं, असैसिन क्रीड और इस तरह की, फार क्राई की, फार क्राई भाई बहुत ज़बरदस्त गेम्स हैं यार फार क्राई की, तो उसको खेलने में वाकई में बड़ा मज़ा आता है, इसको खेलने में मज़ा आता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा चैलेंजिंग है, यानी कहा जाए कि हम मेरे टाइप के लोगों के लिए नहीं बनी जिनके अंदर सब्र नहीं है, लेकिन फिर भी हम खेलते हैं इसको और हम इसको कंप्लीट करके ही रहेंगे, इसका एंड करके ही रहेंगे। अच्छा हम हैं कहाँ पे इस टाइम? यहाँ पे हैं, और यहाँ पे हम लोगों को ये मिलेगा। ओए मोटा यार मोटा, रुक जाओ इसको रीलोड करता हूँ, जगह भी बन जाएगी इसको, माने मर गया। एक कोड आ रहा है, उसकी मुझे पहले ही शेडो नज़र आ गई थी। हाँ चल बे, अब ये नीचे भी नहीं आ सकते। निकलो 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 निकलो। ओए ये क्या तमाशा है भाई, आ गए नीचे, ये क्या है भाई? ओए इसकी चाबी है ये, लेकिन यार चलो इसकी चाबी है, उसकी चाबी है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी है फिलहाल काम की है। आगे इधर इसको किसके साथ करें यार, इन्वेंट्री इज़ फुल, यहाँ पे भी कोई काम की चीज़ होएगी, नहीं पड़ी हुई कोई काम की चीज़, यहाँ पे होएगी कोई काम की चीज़, बुलेट्स मिल गई शॉट गन की, ओ शॉट गन कह रहा हूँ हैंड गन की। अच्छा अब इधर कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो हम लोग डिस्कार्ड कर पाएँ, तो फ़िलहाल इसी के साथ आगे जाना पड़ेगा। ये क्या है? जैस फेस्टिवल फ्लेयर, ओके जेड एफ एस, ये तीन क्यों दिखाए गए हैं भाई हमें मार्क करके, मुझे नहीं पता। आगे करते हैं कंटिन्यू। वाह जी वाह, सीक्रेट रास्ता, एक मिनट, यहाँ पे शॉर्ट गन की, ओ हैंड गन की गोलियाँ बनी हैं, और उसके अलावा क्या है यहाँ पे, यहाँ पे है अपना गन पाउडर है, तो ये चीज़ें अब मुझे नहीं पता कि पिक करना अच्छी बात है, यानी अच्छा आइडिया है कि नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से कि हम लोग पिक करेंगे, क्योंकि पहले तो इसको मार दें कम्प्लीटली, ये क्यों उठेगा दोबारा, क्यों उठेगा बुढ़ाऊ, इसको टोटली मारने के बाद उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि यार इनकी गोलियाँ उठा ली जाएँ यार, यहाँ पे कहीं पे करीबी कोई चीज़ हम लोग ड्रॉप कर पाएँ,
ड्रॉप भी नहीं ना कर सकते कोई चीज़, अगर कर सकते होते तो उठा लेते, क्योंकि वो यूज़फुल हैं यार हैंडगन की गोलियाँ। एक मिनट रुक जाओ, एक ट्राई मारते हैं, इसको रीलोड करते हैं अगर इसके अंदर, यार शॉटगन शॉटगन शॉटगन, इसको रीलोड करते हैं अगर कितनी गोलियाँ डल जाएंगी। दो शेल्स रह गए हैं पीछे, तो दो शेल्स हम लोगों को ज़ाया करने पड़ेंगे यार। ड्रॉप नहीं कर सकते, सिर्फ डिस्कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही क्या किया जाए, समझ नहीं आ रही भाई टोटली। मेरे ख्याल से हम लोग इनको डिस्कार्ड कर देंगे यार, डिस्कार्ड कर यार, झटके की दे रहा है। इसको इसकी जगह रख लेते हैं, पहले इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा उसके बाद ही रखे यार, मुझे गुस्सा चढ़ रहा है इस टाइम, ना तो डिस्कार्ड हो रहा है और ना जोन साहब, मुझे यार आगे ही दिल हड़ा हो रहा है डिस्कार्ड होने में, आगे से और ज़्यादा देर लगा रहा है ये डिस्कार्ड करने में। अब आगे बढ़ते हैं, ये रोल फिल्म का कोई सीन है, उठा सकते हैं इसको, कॉम्बाइन कर सकते हैं इसके साथ, नहीं कर सकते हम लोग इसके साथ कॉम्बाइन, रोल फिल्म कह रहा था, गन पाउडर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और ये खोलते हैं, हैंड गन को रीलोड कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो होपफुली अगला फ्लोर में भी कोई ऐसी कोई बुला वला नहीं मिलेगी जिस तरह की उधर मिली थी, जिसे कहते हैं एक आंख वाली बुला। अरे लाइटनिंग होक की गोलियां भाई, लाइटनिंग होक रीलोड करो, गोलियां मिली हैं उसकी यार सच्ची, इसकी गोलियां बहुत अनमोल होती हैं, क्योंकि इसकी डैमेज जो है ना बहुत आला है लाइटनिंग होक की, एक शॉटगन के बराबर या शॉटगन से थोड़ी ज़्यादा है इसकी डैमेज, तो हेल्पफुल है काफ़ी है लाइटनिंग होक, डीगल कह लो इसको, लाइटनिंग होक कह लो, जो मर्जी कह लो, लेकिन डैमेज इसकी बहुत हैवी है भाई साहब। इसके अंदर है कोई, मेरे ख्याल से पार्ट्स हैं कोई एमुनेशन के, यानी कोई वेपनरी पार्ट्स हैं, तो ये यूज़फुल चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इधर मेरे पास चाबी नहीं है शायद इधर यूज़ होने वाली जो मुझे चाहिए इस टाइम, नहीं है। अरे भाई ये यूज़ हो सकती है यहाँ पे, यूएसबी, इसको पहले एग्जामिन, ये बंद करो इसे पहले, उसके बाद मेरे ख्याल से यूज़ होगी ये, अब यूज़ होगी, हाँ खुल गया ये चीज़ भाई साहब, मुझे समझ नहीं आ रही ये यूज़ हो सकती है। ओए इसको उसके साथ करता हूँ ना, कॉम्बाइन कॉम्बाइन करो ना यार इसके साथ, डीगल के साथ यार, क्या गन है यार सच्ची, डीगल भी यार भाई बीस्ट बनती जा रही है इससे साथ, इसको अब यार वापस तो लेना पड़ेगा किसी भी हाल में, क्योंकि यूज़फुल है और ये बड़े काम आएगी आगे, तो इसको छोड़ के तो जा नहीं सकते यार, क्या किया जाए भाई, इसको यूज़ कर लिया जाए, हाँ और कोई ऑप्शन नहीं है तो इसको यूज़ कर लिया जाए और इसके साथ आगे बढ़ा जाए, और वैसे भी उसकी थोड़ी सी ज़रूरत थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन थोड़ी सी ज़रूरत थी। अच्छा यहाँ पे मैप खोल के देख लीजिए, यहाँ पे कुछ चीज़ और मिस नहीं करें हम लोग, और नहीं करें हम लोग मिस, और जितनी जल्दी हो सके हम लोगों को आगे जाना चाहिए अब, क्योंकि इस वक्त हमारे पास शील्ड लगी है वो जो तीन के कॉम्बाइन को यूज़ करने के बाद मिलती है। मिडल पोर्शन है मेरे ख्याल से, ये कोई नया ही रास्ता है मिडल पोर्शन का, तो जाते हैं और देखते हैं कि ये रास्ता पहले हम लोगों ने एक्सप्लोर किया हुआ है या नहीं किया हुआ, नहीं किया हुआ, किया हुआ बल्कि ये रास्ता हम लोगों ने एक्सप्लोर, ये मुझे रास्ता याद पड़ता है, ये वही रास्ता है जहाँ पे हम लोगों का एक आंख वाले से हुआ था ना सामना, आमना सामना, मे भी शायद ये वो रास्ता हो जब पहली बार हम उससे मिले थे, वो एक आंख वाला जो भी था बंदा। और ये आ गई हमारी लिफ्ट जहाँ से हम लोग मेरे ख्याल से के आए हैं, तो मिडिल पोर्शन में हम लोग यार जाएंगे ना, क्या यार सच्ची इधर से तो हम लोग आए हैं, तो मिडिल पोर्शन में जाते हैं अभी, मिडिल पोर्शन से आगे सीधा हम लोग उधर नाना निकले हैं यार, अपना पुलिस स्टेशन वापसी ना पहुँचें, बस यहाँ पे वो एक आंख वाला कोई और ना आ जाए या फिर लिकर विकर ना आ जाए, क्योंकि अभी मेरा मूड नहीं है लड़ने का, अभी अभी लाइटनिंग होक को अपग्रेड किया मैंने, मूड भी अच्छा है मेरा। हाँ ये वही लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन भाई जहाँ पे वो मिला था हमें मेरे ख्याल से, हाँ ये वो एग्जैक्ट लोकेशन ही है, टूट गई हुई है ये और वहाँ पर हम लोगों की लड़ाई हुई थी। अच्छा अब यहाँ पर करना गया है, कोई और रास्ता नहीं है यहाँ पर आगे जाने का, कोई रास्ता नहीं है, तो
मेरे ख्याल से हम लोग जाएंगे वापस, और वापस जाने के बाद कहाँ जाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे कोई रास्ता और नहीं है जहाँ से हम लोग आगे जाएं, तो इसका मतलब यही है कि वापस हम लोगों को जाना पड़ेगा यहाँ से, और आगे जाने का मुझे नहीं पता कि कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे वगैरह। नीचे का पोर्शन हम लोगों ने चेक कर लिया है, उधर से हम लोगों को काफ़ी अच्छी चीज़ें मिली हैं जो यूज़फुल हैं। फ़िलहाल हम लोग जाएंगे आगे लिफ्ट में, और जो भी हुआ सो हुआ, देखेंगे ऊपर जाए। ओ भाई, नीचे से हम लोग पहले ऊपर आए मेरे ख्याल से, और फिर ऊपर से और ऊपर जा रहे हैं, क्या बात है। ये मेरे ख्याल से हम लोग पुलिस स्टेशन में वापस आ गए हैं। सीक्रेट रूम, अच्छा सीक्रेट रूम, यहाँ पे भी हम शायद आए हुए हैं, शायद मैं भी आए हुए हैं। फ़िलहाल यहाँ पे हम लोग चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग अपनी इन्वेंट्री खाली कर सकते हैं, इसका मतलब फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे करेंगे लोड अपनी गेम को, क्योंकि हम लोग काफ़ी अच्छा जा रहे हैं अभी तक मेरे ख्याल से। और यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं टी बार यूज़, तो टी बार यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, और देखते हैं कि क्या चीज़ खुले। ओ सही, ये हम लोग वापस आ गए ना, यानी उधर हम लोगों ने मेडालियंस जो लगाए थे उसके बाद रास्ता खुला ये, और यहाँ पे माइकल का भरता बना हुआ है, जो माइकल को हमने मारा था मुझे याद पड़ता है। अच्छा अब हम यहाँ पे आ गए हैं वापस, रिकॉर्ड्स रूम है जो हमने अभी तक चेक नहीं किया सही तरह। भाई साहब मेरे ख्याल से कि ये सारी चीज़ें हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को ख़त्म कर देना चाहिए अपनी गेम को आज की। वे अभी से बहुत गंदी गंदी आवाज़ें आ रही हैं, यहाँ पे कर देते हैं हम अपनी गेम को लोड, और मेरे ख्याल से कि यहाँ पे एंड कर देंगे हम अपनी गेम को। तो आज की वीडियो को हम लोगों को यहीं पे लगा देना चाहिए फुल स्टॉप, आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो आज की वीडियो को यहीं पे लगाते हैं फुल स्टॉप। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।